कि भाई हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। नेता तो कह रहे हैं लेकिन जब उसकी तिथि नहीं तय कर रहे हैं। प्रेसवार्ता करके तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन आगे कब कराएंगे कोई तिथि नहीं तय है। देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, रोजगार परक शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब आपके सामने इनको हमने टटोला तो ये इन विचारों से सहमत हैं कि ये चीज़ें बिहार में लागू होनी चाहिए। यहाँ के जो नेता हैं वो शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन कानून बनाने के लिए मुकर जाते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इनको कानून बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। रोजगार परक शिक्षा कैसे लागू हो, इसके लिए समय नहीं है। तो जनता को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट दिया है, वोट की पावर पर ही सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं और वोट से ही शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी ली जा सकती है। तो इनको एहसास कराने के लिए आज इधर हम लोग पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर सावधान महारैली के माध्यम से जनता को सावधान करने के लिए हम लोग यूपी और बिहार में एक महीने से लोगों को जगा रहे हैं। सर, एक महीने का यात्रा हो गया सभी चीज़ों का, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि अब देखिए, अब आगे हम लोग महिला हक अधिकार सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं। 33% रिजर्वेशन की बात होती है महिलाओं को, पंचायत चुनाव में तो लागू है लेकिन लोकसभा और विधानसभा में नहीं लागू है। जब उनकी आबादी 50% है तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में होना चाहिए, इसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। तो अब हम महिलाओं को आगे ला करके उन महिलाओं जो लीडर पार्टी में हैं उनके माध्यम से ये संदेश महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज प्रदेश में जो हालात है उस हालात से आपकी हिस्सेदारी 50% है। तो जब 50% नौकरियों में रिजर्वेशन हो, 50% सभी क्षेत्रों में इनको भागीदारी मिले, एक तो हमारा इसके बाद अभियान 18 तारीख को जैसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार में, तो पहले नहीं, हम यूपी में मऊ में 18 तारीख को महिला सम्मेलन, महिला हक अधिकार सम्मेलन करेंगे। बिहार में भी असर देखने को मिलेगा आपको? उसका असर बिहार में भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। Thank you.